नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। आज के अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील भाभी। आइए आज लेते हैं अखबारों के बीच से वह पहली खबर जो आज छपा है। सभी अखबारों ने जहां राजनीतिक मुद्दे को भी उठाया है, वहीं इस बार एक बार फिर से यह प्रयास किया जा रहा है कि 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको फिर से प्रमोट कर दिया जाए, प्रोनेक्ट कर दिया जाए बिना परीक्षा लिए। यानी कि यह प्लानिंग चल रहा है कि बिना परीक्षा लिए हुए अब आठवीं, पहली से आठवीं तक के बच्चों को अगले क्लास में भेज दिया जाएगा। देखिए, यहां पर राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1.66 करोड़ बच्चे इस साल भी बिना वार्षिक परीक्षा अगली कक्षा में पूर्णत किए जा सकते हैं। अभी इस पर विचार चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर ले तो उनका सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है और शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि बिना कोई अड़चन के ही उनकी बहाली शीघ्रता से कर ली जाए। ऐसा लग रहा है कि अब शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली फरवरी अंतिम सप्ताह तक प्रोसेस में आ जाए। अब उसको इंतजार आपको करना होगा। इधर अगर बातें कर ले तो इंटर की परीक्षा बीते दिन ही समाप्त हो गया, शनिवार को ही समाप्त हो गया है और पूरे बिहार में 672, देखिए एक लंबी लिस्ट है, 672 परीक्षार्थी जो हैं वह निष्कासित कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां इंटर की परीक्षा समाप्त हो गई है तो दूसरी ओर मैट्रिक की परीक्षा का भी तैयारी शुरू है, अंतिम चरण में है, व्यवस्था हो रहा है। यानी कि 17 फरवरी से मैट्रिक की भी परीक्षा बिहार बोर्ड का प्रारंभ होगा और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करने में बिहार बोर्ड लगी हुई है। जमुई छोड़ अन्य जिलों में व्यक्ति सही फोन नंबर में गड़बड़ी मिली है। देखिए, एक बहुत बड़ा घोटाला कोरोना जांच को लेकर आया है और उस जांच में जो है यह बात सामने आई है कि इसके आंकड़े में हेर फेर किए गए हैं। अब 0000010 को जीरो का मोबाइल नंबर होता है और उस मोबाइल नंबर को उसमें डाला गया है। बिहार के 18 मंत्रियों पर दर्ज केस, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के 18 जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उन पर 18 मंत्रियों पर केस हुआ है, तो दागदार लोगों को भी मंत्री बनाया गया है। सूचना भवन में मीडिया सेंटर बनेगा, संजय झा का कहना है कि सूचना भवन में मीडिया का सेंटर बनेगा। 7000 से कम आबादी वाले गांव भी बनेंगे पंचायत। पंचायत चुनाव 2021 को लेकर यह एक बड़ा अपडेट माना जा सकता है कि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायत राज एक्ट 2006 में भी संशोधन किया जाएगा। यानी कि अब संशोधन करने की बातें आ रही है, अब क्या क्या संशोधन होता है यह देखना होगा। 200 ग्राम पंचायतों का किया जाएगा पुनर्गठन। 1991 की जनगणना के आधार पर तय होगी आबादी। 1991 के जनगणना के आधार पर आबादी तय होगी। इसमें कहा गया है कि 1991 के जनगणना के अनुसार 3000 से कम जिन पंचायतों की आबादी होगी उनका अगले दूसरे पंचायत में उनको जोड़ दिया जाएगा और जिन पंचायतों को 3000 से काफी ज्यादा होगा उनके पर भी विचार किया जाएगा। तो यह पंचायत को लेकर एक बड़ी अपडेट थी। एम्स पटना में समान ओपीडी कल से शुरू हो जाएगा और आज वैलेंटाइन डे है, प्रेम दिवस है और प्रेम दिवस को लोग उत्साह के रूप में मना रहे हैं। गांवों में अब 72 घंटे में बदलेगा बिजली मीटर। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं का मीटर तय समय में बदला जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है रिचार्ज करने वाला जो मीटर जो देखते हैं अब रिचार्ज करने वाला है। जिस प्रकार से मोबाइल में आप रिचार्ज जितना का करते हैं उतना बात करते हैं, उसी प्रकार से ऐसा मीटर आ रहा है, लग रहा है बिहार में बहुत जल्द आपके घरों तक भी लगेगा। जितना का आप रिचार्ज करिएगा उतना आपके यहाँ बिजली मिल पाएगा। प्रदर्शन कहीं भी कभी भी नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार कहीं भी और कभी भी नहीं हो सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने शाहीन बाग पर दिए फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। जगदानंद सिंह ने किया मेरा अपमान। तेज प्रताप का कहना है कि जगदानंद प्रसाद जो है हमारा अपमान किए हैं। अजीत डोभाल के दफ्तर की रेकी सुरक्षा बढ़ी।
तमाम खबरों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास के लिए हमेशा प्रयास करने के लिए उत्सुक रहे हैं, और जब दिल्ली गए थे तो वहां पर प्रधानमंत्री के समक्ष भी नल जल योजना, शिक्षा आदि पर भी अपनी बात रखे और कहें कि बिहार में विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा कर पदाधिकारियों को दिए निर्देश, बिहार में सभी इच्छुक किसानों से धान की खरीद, जो किसान अभी धान नहीं बेच पाए हैं, बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी इन्होंने संज्ञान लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डीएम से भी जुड़कर उनसे बात किए हैं। आपराधिक रिकॉर्ड का प्रचार न करने पर दलों की सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, बेतिया में बाघिन ने दंपति को मार डाला, कृषि निदेशक यहाँ की निगरानी पर छापा। देखिए, कृषि निदेशक के यहाँ निगरानी का छापा पड़ा है, पकड़ा गया है। बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों का अध्ययन होगा। आखिर बच्चे अचानक स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? बच्चे जो है मैट्रिक पढ़ने के बाद में अचानक स्कूल छोड़ देते हैं, आखिर क्यों छोड़ते हैं? इन तमाम चीजों पर अध्ययन किया जाएगा। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी बिहार के बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कई बयान दिए हैं, जिससे शिक्षकों अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है और वो कहते हैं कि बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी अड़चन के, शीघ्रता के साथ बहाली की जाएगी और शिक्षकों का जो समय पर वेतन मिलना चाहिए वेतन मिलेगा और प्रोन्नति होगी। तमाम चीजों को उन्होंने कहा है, लेकिन अब तक उनके द्वारा तबादला पर विशेष फोकस नहीं किया गया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ये देखते रहिए कि किस प्रकार से बिहार में जो है अब तक काम चल रहा है। कुछ और ऐसे खबरों को आपको बताना जरूरी है, जो आपको जानना जरूरी है, तो हम आपके लिए खबरों को चुन कर लाते हैं। राजेंद्र महाविद्यालय के 50 सहित 13 अध्यापक निलंबित कर दिए गए हैं। ईवीएम से होंगे पंचायत चुनाव, सम्राट चौधरी जो पंचायती राज मंत्री है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ईवीएम से चुनाव कराने की बात को कन्फर्म किए हैं। अप्रैल में मिलेंगे 24 नए डीएसपी, अप्रैल महीने में 24 नए डीएसपी जो है बिहार को मिलेंगे। परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों को दोबारा मौका मिलेगा, सीबीएसई बोर्ड में जो परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं उनको दोबारा मौका मिलने की बात की जा रही है। बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की डेट घोषित हो गया है, 18 फरवरी से 15 मार्च तक संभावित डेट है, संभावित एग्जाम डेट 19 मई और रिजल्ट 20 से 25 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। AKU के 11 मेघावी छात्रों को हुआ कैंपस सिलेक्शन। इधर अगर आगे की बात कर ले तो इंटर की परीक्षा भी समाप्त हो गई है, जिसमें काफी निदेशक से मिले शिक्षक हुई बात है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक से शनिवार को TAT STAT के उत्तरी शिक्षक संघ के गुप गुट के लोगों ने मिला और अपनी बातों को वहां पर रखा, अपनी मांगों को उनके सामने रखा। अब इधर आगे की ओर बात करने से एम्स में कल से ओपीडी का पुनः होगा शुरुआत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बच्चों पर वैक्सीन की टेस्टिंग करेगी। शिक्षा मंत्री ने, देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे शिक्षा मंत्री के, तो कल जो है शिक्षा मंत्री के सामने मध्याह्न भोजन का MDM का प्रेजेंटेशन किया गया और उन्होंने कई निर्देश भी यहाँ पर जारी किया। अभिलेखों की जाँच के बाद मिलेगी अनुग्रह राशि। शिक्षा मंत्री जाने मिड डे मील योजनाओं के बारे में खास, तो मैंने, और यहां पर एक और बड़ी खबर है कि अब 18 वर्ष से 40 वर्ष के ही रसोईया विद्यालय में अपना भोजन बना पाएंगे। अगर उससे ज्यादा उम्र उनकी हो गई है तो आपकी टिकट कट गई है, विद्यालय से आपको हटाया जा सकता है। पहले 60 वर्ष की बात हो गई थी, अब जो है निर्देशक ने जारी कर दिया है कि हम तो केवल विद्यालय में भोजन बनाने के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के ही रसोईया को अपने यहाँ काम दे सकते हैं। तो अब देखना होगा कि जिनका उम्र 40 से ज्यादा हो गया है तो उनकी क्या स्थिति होती है, उनको हटाया जाता है या कोई और बीच का रास्ता निकाला जाता है। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहे हैं, देखते रहे मगध संवाद, और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।